and welcome to the second episode of Ghosla. वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अपना बैल्कनी मेकओवर। सो पहले मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ कि मेरा बिफोर बैल्कनी कैसा दिखता है। तो अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव द क्लिपिंग ऑफ बिफोर बैल्कनी, मुझे नहीं पता, मैंने पूरे घर का बिफोर लिया था बट मैं बैल्कनी का कैसे मिस आउट हो गया है। बट मेरे पास जो मेरी बेडरूम की बैल्कनी है वो ऑलमोस्ट सेम है मेरे लिविंग रूम के बैल्कनी के जैसा। आई एम अ प्लांट लवर, मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने बैल्कनी में काफ़ी सारे प्लांट्स लगा रखे हैं और एट द सेम टाइम मैंने कोशिश किया हुआ है कि प्लांट्स की वजह से मेरी बैल्कनी से बहुत भरी भरी ना लगे और खड़े होने की, बैठने की, चलने की जगह रह जाए। और सारे प्लांट्स को मैंने एक थोड़ा सा हाइट दिया है ताकि नीचे क्लीनिंग करने में ईजी रहे। उसके बाद मैंने कुछ क्यूट कलरफुल DIYs भी बनाए हुए हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ऑब्वियसली बैल्कनी का लेआउट जो लास्ट बैल्कनी है वैसा ही है बट थोड़े बहुत चेंजेस मैंने किए हैं तो वो आप देख लीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द बैल्कनी मेकओवर। तो मेरे जो लिविंग रूम की बैल्कनी है वो बिल्कुल मेरे बेडरूम की बैल्कनी के जितनी ही साइज़ की है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड का एरिया पाइप है ना, ये राइट हैंड साइड पे था और ये जो इसमें राइट हैंड साइड में जो क्लीन एरिया है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड पे था। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी एग्जैक्टली ऐसे ही है। और आप देखेंगे कि ये जो बैल्कनी ना थोड़ा नीचे धसी हुई है, तो ऐसे ही लिविंग रूम की बैल्कनी थी जिसको हमने कुछ चेंजेस करवाए हैं। तो ये तीन कुछ ओल्ड फ्रेम्स हैं जो मैंने अपने मम्मी के बेडरूम में रीयूज़ करा था, तो मैं उनको लेकर के आ गई हूँ बिकॉज़ ये MDF के हैं तो मैं इनको रीयूज़ आराम से कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इनको ऑब्वियसली वाइट पेंट करूँगी और बहुत सिंपल एंड क्विकली, मुझे बहुत डिटेलिंग वाली पेंटिंग नहीं बनानी है, मुझे फटाफट करना है। सो मैं ऐसा कुछ सिंपल सा पेंटिंग इसमें करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले वाइट पेंट करा है, बेस लगा लिया है। सो आई हैव दिस वेरी क्यूट शेल्व्स जो कि मैंने मिंत्रा से मंगवाए थे बहुत टाइम पहले, मतलब एक डेढ़ साल हो गया है मेरे पास ऐसे ही पड़े हुए थे। मैंने सोचा था मैं कभी यूज़ करूँगी, नाउ फाइनली इनका टाइम आ गया है यूज़ करने का। तो ये इस तरीके से फिट हो जाते हैं एंड आपको नेल से इनको ड्रिल करना होता है। तो मैं इनको पेंट करने वाली हूँ, काफ़ी क्यूट से हैं बट आई एम श्योर ये बहुत ज़्यादा हैवी वेट नहीं झेल पाएंगे, तो हम इसमें क्यूट क्यूट आर्टिफैक्ट्स जो होते हैं ना वो रखने के लिए इनको यूज़ करेंगे। तो पहले मैं ऑब्वियसली एक वाइट बेस कर रही हूँ, उसके ऊपर मैं थोड़ा पेपी से कलर्स यूज़ करूँगी। तो मेरे पास ये नैपकिन पड़ा हुआ था तो मैं एज अ डेको पैच की तरह इसको यूज करने वाली हूँ यहाँ पर। नाउ जो दूसरे दो और ये MDF के जो शीट्स थे उसके एक के ऊपर मैं ब्लू कलर कर रही हूँ, पाउडर ब्लू, और एक पे मैं पेस्टल पिंक कलर करने वाली हूँ। सो ये मैं चॉक पेंट यूज़ कर रही हूँ, इनके लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड इनके ऊपर फिर उसके बाद जब तक ये जो मेरे ओवल शेप के जो ये एग शेप के शेल्व्स थे ये भी इनका जो वाइट कलर वो ड्राई हो गया था, मैं इन पे भी थोड़े थोड़े से पेपी से कलर्स जो हैं वो पेंट कर रही हूँ। एंड देन फिर यहाँ पर ऐसे छोटे मोटे से कुछ भी कोट्स लिख रही हूँ क्यूट से जो थोड़े गार्डन से रिलेटेड।
तरीके के ना पेपी से आप बहुत आराम से इंस्टाग्राम पेजेस या ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, बट मुझे पसंद है, भले ही मैं बहुत परफेक्ट नहीं बनाती हूँ, आप देखोगे तो बहुत फिनिशिंग से नहीं बना रही हूँ, बहुत जल्दी जल्दी में बनाया है मैंने, और कोई हैंडराइटिंग भी बहुत एकदम टॉप नॉच नहीं है, बट स्टिल मुझे पसंद है कि मेरी डेकोरेट की हुई चीज़ें ही मैं अपने घर में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स लगाऊँ, मुझे अच्छा लगता है, सो इसलिए मैं ही बनाती हूँ, भले टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी बने मुझे पसंद आता है, और मैं अपने हिसाब से जो मेरे कलर्स होते हैं मैं वो ही यूज़ करती हूँ, तो कोई बहुत एकदम फिनिशिंग वाला नहीं है, एट दी एंड ये जब लग जाएगा ना तो बहुत सुंदर लगने वाला है। तो ये मैंने ऐसे तीन बना लिए हैं, और जो मेरे शेल्व्स थे आउल वाले वो सब भी मैंने ना ऐसे कलर में पेंट कर लिया है। तो अब आते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ में। तो हम लोगों ने आइकिया से, जब हम फर्स्ट आइकिया नहीं सेकंड वाले आइकिया गए थे ना, तब हम ये शेल्फ लेकर के आए थे। सो दिस इज़ द शेल्फ जो मैंने आई थिंक 3500 समथिंग में, लिंक डाल दूंगी उसकी, परचेस करी है। सो द शेल्फ इज़ नॉट वेरी स्टर्डी, इट्स वेरी गुड फॉर बैल्कनी बट इट्स नॉट दैट स्टर्डी। अभी मैं आपको बताऊंगी मैं किस लोकेशन पर रख रही हूँ उसको, तो वहाँ के लिए ये परफेक्ट थी, मतलब ऐसा कुछ हिल डुल नहीं रही थी, बट थोड़ी सी फ्लिमजी है, मतलब इसमें लेकिन सेक्शन दिया हुआ है कि आप इसको वॉल पर भी अटैच कर सकते हो, तो अगर आप इसको वॉल पर ड्रिल कर दोगे ना तो ये काफी परफेक्ट हो जाएगी, लेकिन हाँ अभी हम लोग ने ड्रिल व्रिल तो नहीं किया है। नाउ दिस इज द बैल्कनी, जो मेरा पुराना वाला वो था ना वो मैंने साइड में यहाँ पे लगा दिया है, वो मैं यूज करने वाली हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि वो एकदम परफेक्ट साइज का है, लेकिन अभी ये बिल्कुल मेस्ड अप है, जस्ट ऐसे ही हमने आकर के क्योंकि शिफ्ट किया था ना तो सब डंप कर दिया था। ये जितने प्लांट्स हैं ये सब मेरे पुराने प्लांट्स हैं, तो पुराने भी मेरे पास काफी सारे प्लांट्स हैं, बट बिकॉज और प्लांट्स भी हमको लगेंगे क्योंकि हमको और ज़्यादा डेकोरेट करना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने साइड में एकदम शेल्फ रख दिए, तो दोनों वॉल का इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल गया है, तो गिरने विरने का कोई डर नहीं है यहाँ पे। तो विक्की यहाँ पर अब ड्रिलिंग विलिंग का काम स्टार्ट करेगा, मैंने उसको बता दिया है कि मुझे कितना ड्रिल करवाना है, कहाँ कहाँ ड्रिल करवाना है। सो दीज टू, मैंने बोला था लगने के बाद ये क्यूट सी लगेगी ही लगेगी, तो यहाँ पर हम ये दो पेंटिंग लगाने वाले हैं, और वो ड्रिल कर रहा है, ड्रिल करने में डेफिनेटली उसको बहुत दिक्कत आई थी, बट ठीक है हमारे पास ड्रिल मशीन है तो उसका हम लोग अच्छा खासा यूज़ करते हैं। इस बार मुझे ना थोड़े हाइटेड प्लांट्स लेना है, तो वो लेने के लिए मैं आई हूँ यहाँ पर, और कुछ छोटे मोटे मुझे फ्लावर वाले प्लांट्स भी चाहिए, बिकॉज मेरे जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स थे ना वो सब जाने में ही ख़राब हो गए थे यहाँ पे, क्योंकि पता नहीं कैसे ख़राब हो गए थे पर ख़राब हो गए थे, तो मैं थोड़े फ्लावरिंग प्लांट्स लूँगी। बाकी इंडोर प्लांट जो होते हैं सिंपल वाले, जो ईजी टू मेंटेनेंस होते हैं, वो सब तो मेरे एकदम एज इट इज़ इंटैक्ट हैं, तो मैं वही सब प्लांट्स देख रही हूँ। तो ये ना मानपाड़ा पे एक नर्सरी है जहाँ पर हर वेराइटी के प्लांट्स मिल जाते हैं, मेरे घर के आसपास भी काफ़ी सारी हैं, बट मुझे ना ऐसे थोड़े अलग टाइप के, मतलब अगर आपको हर वैरायटी चाहिए तो यू हैव टू गो टू दिस मानपाड़ा वाली, माजीवाड़ा मानपाड़ा में नर्सरी है। सो यहाँ से मैंने प्लांटर ले लिया है और दो तीन प्लांट्स ले लिए हैं, फिर ये मेरे घर के पास में भी एक नर्सरी है, वहाँ पर मेरे को हाइटेड प्लांट एक्चुअली काफ़ी अच्छे रेट में मिल गए थे, काफ़ी सस्ता, तो मैंने ये फाइकस प्लांट लिया हुआ है और इसको मैं आइकिया के जो बिन्स है ना उसमें फिट करवा रही हूँ। I know that you are having a hard time right now. That everything seems to crumble around you. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us and we will help you through. 'Cause we only want what's best, what's best for you. I know that you are having trouble believing right now.
everything is gonna be, is gonna be alright. I know that you. अब मैं आपको वन बाय वन चीज़ें एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ। तो अगर आप मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं या फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, ये जो आप पीछे देख रहे हैं ना रैक, ये मैं ऑलरेडी अपने लास्ट बैल्कनी में बना चुकी थी। तो आप उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा कि हम लोगों ने कैसे बनाया है। तो ये जो पीछे का स्टैंड है, दिस इज़ अ DIY स्टैंड जो कि हम लोगों ने घर पर ही बनाया था। सो वो हमने यहाँ पीछे लगा करके रखा है। इससे क्या होता है ना, एक अच्छी खासी वर्टिकल स्पेस क्रिएट हो जाती है और लुक एट दिस, ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है दिखने में। ऊपर ये जो DIY मैंने बनाए हैं वो मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। द ओल्ड प्लांटर्स, वही मैंने हैंग करे हुए हैं और उन प्लांटर्स की अब तो हालत भी काफ़ी ख़राब हो गया। पास से देखोगे तो थोड़ा सा रस्ट हो गया है, बट स्टिल मैंने काफ़ी कुछ पुरानी चीज़ें ही यूज़ करी हुई हैं। फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पर कॉर्नर पर। तो इधर कॉर्नर पर मैंने काफ़ी बड़ा प्लांटर यूज़ किया है। सो दिस इज़ अ प्लांटर जो कि मैं IKEA से लेकर के आई थी। ये अंडर 100 रुपीज़ का प्लांटर है एंड लुक एट द साइज ऑफ दिस प्लांटर। मैंने यहाँ पर एक काफ़ी टॉल साइज का फाइकस प्लांट लगा करके रखा हुआ है। ये इंडोर आउटडोर दोनों ही आप इसको यूज कर सकते हैं। साइड में मैंने यहाँ पर रैक को मैंने कलर किया हुआ है एंड लुक एट दिस, इसके ऊपर मैंने ऐसे क्यूट क्यूट से जो ये प्लांटर्स होते हैं, आप इनको एज अ प्लांटर की तरह यूज कर सकते हो, बट मैंने सिर्फ ऐसी शोपीस की तरह रखा है। इनमें मैंने प्लांट्स लगाए नहीं है बिकॉज मुझे नहीं लगता कि इसमें सर्वाइव कर पाएंगे। तो पहले ना आई वॉज कंसिडरिंग कि मैं बैल्कनी फर्नीचर लूँगी, लाइक टेबल चेयर प्रॉपर जो फोल्डिंग वाले होते हैं, बट देन आई थॉट कि यार ये वाइज डिसीजन नहीं होगा। एक तो अब वो सिर्फ थोड़े दिन का शौक होता है, उसके बाद आपको ऐसा लगने लगता है कि बैल्कनी का फालतू का स्पेस जा रहा है। मुझे तो ऐसा लगने लगेगा डेफिनेटली, मैं बहुत जल्दी बोर हो जाऊंगी। तो मैंने क्या किया है, स्मार्ट टेबल लिया है। जो बैल्कनी के टेबल्स होते हैं ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाइट कलर का जो लगा हुआ है, दिस इज़ अ बैल्कनी टेबल। और साथ में ये जो पुराने मेरे पूफ्स थे, मैं उन्हीं को यूज़ कर रही हूँ। दीज आर कॉल्ड एज पिट्ठू। इनको मैं कहीं पर भी रख दूँ, कैसे भी रख दूँ, कुछ भी कर दो, ये ख़राब नहीं होते हैं। ये इतने देसी पिट्ठू हैं, इतने सही तरीके के हैं, तो मैंने इनको इन्हीं को ही रीयूज़ करा। नाउ ये जो रेलिंग टेबल है, हम इसको एज अ बैल्कनी टेबल यूज़ करने वाले हैं। दिस इज़ एन अमेजिंग इन्वेस्टमेंट। आपकी पूरी नीचे की जगह खाली है और आप किसी भी तरह की अगर आपकी बाउंड्री है ना या रेलिंग है ना, आप उसमें फिट कर सकते हो। आयरन का है, काफ़ी स्टर्डी है, आप इसमें बहुत सारी चीज़ें रख सकते हो। देखो इतना खासा अच्छा खासा स्पेस है, आप चाहो तो उसमें प्लांट्स भी रख सकते हो। तो मुझे तो ये बहुत सही चीज़ लगी, अगर आपको यूज़ नहीं करना है तो आप इसको उठा के रख सकते हो। नाउ ये जो नीचे मैट बिछा हुआ है ना, ये सिर्फ मैंने आज वीडियो के लिए लगाया है। इतने सारे प्लांट्स में पानी डालना होता है ना कि पूरा मिट्टी में लपेट जाएगा, सो मैं बिल्कुल भी नहीं बिछाती हूँ। ये सिर्फ आज वीडियो के लिए करा है, अदरवाइज प्रैक्टिकली मैट्स वैट्स नहीं बिछा पाते हो आप बैल्कनी में।
तो जब हम हमारे लिविंग रूम के सोफे में बैठते हैं ना, तो हमको ये वाला व्यू दिखता है। तो यहाँ पर हमने ये शेल्फ लगाई हुई है और काफ़ी सही एकदम प्रॉपर साइज में फिट आई है, मतलब एकदम परफेक्ट आई है और काफ़ी अंदर की तरफ है, तो बारिश वगैरह होगी भी ना तो इसको पानी नहीं लगने वाला, इतनी ख़राब वराब नहीं होने वाली है ये। और यस, यहाँ पर मैंने ऐसी छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें रखी हुई हैं प्लांट्स के साथ साथ। तो जो लाइट्स हैं वो हम लोगों ने ऊपर ना ऐसे छोटे छोटे जे हुक्स लगाए हैं, विक्की ने ही लगाए हैं, और ऊपर यहाँ पे कनेक्शन दिया हुआ है बल्ब का, जिसका स्विच जो है वो अंदर है लिविंग रूम में, तो उस पर हमने ये कनेक्ट कर दिए हैं इस तरह से लाइट को, तो ये काफ़ी अच्छा इफेक्ट दे रहे हैं और पानी वगैरह भी नहीं आएगा। वैसे ये ऑल दो वाटर प्रूफ लाइट्स हैं, आप आउटडोर में भी लगा सकते हैं। दिस इज़ द नाइट इफेक्ट, ये रात में बहुत सुंदर लगती है। सो दिस इज़ द नाइट इफेक्ट एंड डे इफेक्ट तो मैंने आपको बता ही दिया था, सनलाइट वाला भी बता दिया था, तो लाइट्स की वजह से ये और ज़्यादा सुंदर लगती है रात में। That's it for the video. अभी के लिए इतना ही। I hope आपको मेरा video पसंद आया होगा। पसंद आया है then do not forget to hit the like button, subscribe to my channel and comment down below. Comment जरूर करिएगा, comment करने से बहुत अच्छा तो लगता ही है and साथ में बहुत सारा motivation मिलता है। मैं मिलती हूँ आपको मेरे next video में। Till then, bye.